हेलो एवरीवन, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका लेट नाइट थॉट्स क्या है, देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आज देर रात को क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उन पर ध्यान दीजिए, फोकस बनाकर रखिए उन पर, साथ में यूनिवर्स से प्रेस जरूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या है उनका लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बर्डन, कोई सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया है, ठीक है, बोझ बन गया है कोई सिचुएशन इनके लिए, कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पर। ये आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ खुद को अलोन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई समझ नहीं रहा है, समझने वाला नहीं है, किसी को इनकी खुशी का ख्याल ही नहीं है। ये क्या चाहते हैं, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में रिश्ते में क्या चाहते हैं, कोई इनसे पूछता क्यों नहीं है यार। इनकी खुद की लाइफ में इनका खुद का बस नहीं है, किसी और का हुकूमत चल रहा है, किसी और का कंट्रोल है इन पर, बहुत अलोन फील कर रहे हैं, तनहा फील कर रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो रहा है, बातचीत हो रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ, या फैमिली में बहुत सब कुछ सही जा रहा है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को इन पर ट्रस्ट इशू है, कोई इन पर भरोसा नहीं कर रहा है, इनका फैमिली हो सकता है या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई तो इनसे नाराज़ है, या कहना चाहिए किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इनसे, ठीक है। और उन्होंने जो वो चाहते हैं आपके पार्टनर से, जो एक्सपेक्ट करते हैं, अपना थॉट्स इन पर थोप दिया गया है, ठीक है। पूरे फैमिली का जिम्मेदारी है इन पर, ये भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ इन पर थोड़ा सा बर्डन बन गया है। ऊपर से आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी आ गया है, या पास्ट आ रहे हैं आप दोनों का, आप दोनों में से किसी एक का, ये भी हो सकता है। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने अपनी बातें किसी से शेयर करने की कोशिश किया है, करके देखा है, पर उन्होंने समझा नहीं इनको। आपके लिए क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं ना कुछ लोग लिए ऐसा भी फील कर पा रही हूँ, आप या तो आपके पार्टनर अगर दोनों कांटेक्ट में हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है, चेकआउट कीजिए, एक बार चेक कीजिए कि कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहे दूसरे वाले पर्सन को। अगर आपकी एनर्जी है तो नहीं, आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि आपके पार्टनर वहाँ पर खुश नहीं है, ऐसा हो सकता है, या तो आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और कराने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो तुरंत उनसे कहिए कि आपकी खुशी क्या है, आप क्या चाहते हो, यहाँ पर बर्डन नहीं होना चाहिए रिश्ते में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बर्डन कर रहे हो, या कोई आप पर बर्डन बन रहे है, रिश्ता बर्डन की तरह हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, वहीं पर दम तोड़ देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ना ही किसी को कंट्रोल करना है, ना ही खुद को कंट्रोल होने देना है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रेस में हैं, बिल्कुल कोई कंट्रोल करेगा तो क्या आदमी या जो वुमेन है क्या खुश थोड़ी होंगे, या जो भी है एनर्जी यहाँ पर, आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपका एज है मैटर नहीं करता, या आपके पार्टनर का जो भी एज है मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं इस स्ट्रेस से, पर समझ नहीं आ रही है कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, जो ये चाहते हैं एक्चुअल में वो कैसे करें। मुझे ना बर्डन सिर्फ रिलेशनशिप पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके कैरियर में भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना ज़्यादा सही होगा, राइट होगा तुम्हारे लिए, तुम ये क्यों नहीं करते हो, मुझे ये कैरियर में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ और करना चाहते हैं पर इन पर थोपा जा रहा है अपना आइडिया, या जो कराना चाहते हैं कि तुम यही करो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे वर्क में हो, चाहे कैरियर में हो, स्टडी में हो, तो ये जरूर हो रहे हैं इनके साथ, ठीक है। तो बहुत टेंशन में आ गए हैं ये, स्पेशली आपके रिश्ते को लेकर।
और क्या इनकी फीलिंग्स, इनको ना सही गाइडेंस की ज़रूरत है, नहीं मिल पा रहे इनको सही गाइडेंस की सेशन, क्योंकि जो लोग इनके अराउंड हैं, इनके आसपास हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। इनके लिए राइट है, सही है, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पेशेंस, पेशेंस बनाकर रखा हुआ है इन्होंने। आपके पार्टनर आपके इंतज़ार करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अट्रैक्शन है यहाँ पर, लव है यहाँ पर, इंतज़ार है यहाँ पर, क्योंकि कोई सिचुएशन कंडीशन ऐसा है जहाँ पर से निकल कर आपके पास नहीं आ सकते, या तो आपके तरफ से थर्ड पार्टी है, पर थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, ठीक है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, जब समय सही होगा तब कुछ एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, कुछ करेंगे इस चीज़ का। मुझे राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ पेशेंस बनाया हुआ है इन्होंने और इंतज़ार किया जा रहा है, ठीक है। समय का बदलने का, चेंज होने का, जब टाइम इनके फेवर में होगा, बिल्कुल कभी ना कभी तो समय चेंज होगा ही, कभी ना कभी तो चीज़ें बदलेगी, ठीक है। सिचुएशन को ये अपने कंट्रोल में लेंगे, कब तक इनके अगेंस्ट रहेगी सिचुएशन, कभी ना कभी तो इनके अकॉर्डिंग भी होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो इंतज़ार किया जा रहा है राइट नाउ। अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या है इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के बारे में इनके पार्टनर, इंटेंसिटी, इनका एनर्जी, फीलिंग्स, जो थॉट्स है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, ओके। इनका बस चले तो अभी इसी वक्त आपके पास आ जाए, क्योंकि प्यार हो, लव हो, सुकून देते हो, जो चाहिए इनको लाइफ से आप वो हो इनके लिए, मानो या ना मानो पर आप वही हो। क्या आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव हो, क्या आप नर्चरिंग एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी है नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, आप स्वीट हो, डेफिनेटली आपके अंदर प्यार है, इमोशंस है, आप सेंसिटिव हो, आप में नर्चरिंग एनर्जी है, डेफिनेटली इनको आपसे बहुत 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 वाला प्यार है। आप वही हो जो इनको चाहिए लाइफ से, ज़िंदगी से, आपकी तमन्ना है, ड्रीम, वाओ, ड्रीम हो, ख्वाब हो, विश हो, तमन्ना हो, ठीक है। आप हैप्पीनेस हो इनका, खुशी हो आप इनका, सपना हो आप इनका, जिसको पूरा करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ेंगे, ये डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगेन कहना चाहूँगी, आप में अगर नर्चरिंग एनर्जी है, भले ही आप एक मेल हो, पर आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, आपको लव चाहिए और लव आप देते भी हो, आपके अंदर ऑनेस्टी है, जेन्युइन हो आप, प्यार बहुत करते हैं आपसे, मान लो ये बात, ओके। ये आपको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं इनको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। कंपैरिजन, कंपेयर मत करो अगर आप कर रहे हो तो, और अगर इन्होंने किसी तरह का कंपेयर किया, निगेटिव वे में किया था, तो सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने कंपेयर किया था निगेटिव वे में और आपसे दूरियां बना ली, आज बहुत टेंशन में हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू समझ के हैं आपके पार्टनर, अगर ऐसा था तो अपने फ्रेंड के बातों में आए थे, किसी और के बातों में आए थे, इनको ऐसा लगा कि और कोई अच्छा हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बेटर मिल सकता है, अगर इस तरह के एनर्जी में आए थे तो आज बहुत बड़े वाले टेंशन में हैं, रिग्रेट कर रहे हैं जब, ओके। और कंपेयर कर रहे हैं कि कौन राइट था, कौन सही है, कौन जेन्युइन है, कौन लव है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, कंपेयर कर रहे हैं कि इनके साथ आगे बढ़ना है, किसको छोड़ना है। डेफिनेटली ये व्यक्ति दिल ही दिल में आपको चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करने लगे हैं, दिल से प्यार करते हैं आपसे बहुत,
आप इनका लव हो, समझ गए हैं, अकल आ गई है मन में ये बात, दिल में ये बात हाँ आ गई है कि यही मेरा लव है, यही मेरा प्यार है। पर प्रॉब्लम से आप दोनों के बीच दूरियां हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं कैसे आपको पाना है या यूनियन करना है इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में, और ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही कर सकते हैं, निगेटिव एनर्जी में या कुछ गलत करके नहीं, ठीक है। सही डायरेक्शन में रहकर पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपको पाया जा सकता है, आपके साथ रियूनाइट किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, सही तरीके से। और ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा तो ज़्यादा सही होगा, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला, इनको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। लोगों का असली चेहरा देख लें इन्होंने, और आपका भी कि आप कैसे हो, जो भी आप हो, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगी, अगर आप इमोशनल हो, नर्चरिंग हो, डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। ये आपके ट्रू लव हैं, ये आपके मुझे डिस्टेंट पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बेबी हैं ये तो आने वाला है, इनके साथ आपका बेबी है। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साइंस बताऊं क्या, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस लियो स्पेशली एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पैशेस और वहाँ पर टॉरस वर्गो के कैप्रिकॉर्न भी है। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।